दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बकरवाली डॉग ब्रीड के पपी और डॉग की पहचान के साथ उनकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक पे एक वीडियो मैंने पहले का भी बना के आपके साथ शेयर किया था, उसमें थोड़े पॉइंट छूट गए थे तो वो आज सभी कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आप सभी से मैं एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, दोस्तों आप जब भी अपने घर में छोटा पपी लाएं, चाहे वो किसी भी ब्रीड का हो, उसे उतना ही प्यार से रखें जितना प्यार से आपने लाया हो। कभी घर से बाहर ना निकालें, क्योंकि लास्ट साल कोरोना के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे थे जब लोगों ने अपने घरों से कुत्तों को निकाल दिया था, होमलेस कर दिया था। तो दोस्तों कभी भी अपने पेट को, अपने डॉग को घर से बाहर ना निकालना। दोस्तों सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लें। ये डॉग ब्रीड नॉर्थ इंडिया में पाई जाने वाली प्राचीन नस्ल की डॉग ब्रीड है, जो कि इंडिया के लेह लद्दाख और पीर पंजाल के क्षेत्र में पाई जाती थी। यहाँ इसे कई शताब्दियों तक बकरवालों और गुज्जर लोगों द्वारा अपनी भेड़ बकरियों की सुरक्षा के लिए पाला जाता था। दोस्तों ऐसा मानना जाता है कि इंडियन पहाड़ी डॉग और तिब्बतन मैस्टिप की क्रॉस ब्रीडिंग से इस ब्रीड को तैयार किया गया था। देखने में मध्यम आकार के तिब्बतन मैस्टिप की तरह ही दिखाई देते हैं। ये ब्रीड ज़्यादातर ब्लैक कलर में देखने को मिलती है। बकरवाल लोग इसे शाकाहारी नस्ल का डॉग मानते हैं। खाने में इसको चावल की भूसा, मक्के की रोटी के साथ भेड़ बकरियों का दूध मिक्स करके देते हैं। इस ब्रीड की डॉग की पहचान के बारे में बता दें आपको। दोस्तों इस डॉग ब्रीड के भोंकने का स्टाइल दुनिया की सभी डॉग ब्रीड से अलग मिलेगा। ये लगातार बिना थके भोंकते रहते हैं। दोस्तों बकरवाली डॉग का हेड साइज बड़ा होना चाहिए और उसके पैरों के पंजे भी बड़े होने चाहिए। पपी की पहचान के बारे में दोस्तों आपको बता दूं, पपी का हेड साइज बड़ा होना चाहिए उसकी अर्ली स्टेज में। कान भी बड़े होने चाहिए और कान फेस के साथ बिल्कुल नीचे की तरफ झुके होते हैं। टेल इसकी रिंग शेप में बनी होनी चाहिए और कोट भी इसका मीडियम से थोड़ा बड़ा ही होता है। दोस्तों पपी की अर्ली स्टेज में उसके पैरों के पंजे भी काफ़ी बड़े रहते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप इस ब्रीड के पपी को घर में ला रहे हैं तो इसे अर्ली स्टेज में ट्रेन और सोशलाइज कर लें, जिससे इसमें एग्रेशन लेवल आपको थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा। दोस्तों प्राइस की बात कर लूँ तो इस ब्रीड का पपी का प्राइस 3,000 से 10,000 तक क्वालिटी के हिसाब से पपी मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसी ही और ढेर सारी वीडियो के लिए। दोस्तों मिलूंगा आपके साथ जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।